तो हमारा रैबिट जो है वो बैठा हुआ है और बिल्ली देखें देखें बिल्ली हमला करने वाली है हमला भाई। वो देखो रैबिट को देख के बिल्ली बिल्कुल तैयार बैठी हुई है बिल्कुल हवे चमार रही है। हम निकलो बाहर। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आप सब ठीक होंगे। तो आज जो है इंशाल्लाह मैं पिजन्स के अंडे आपको दिखाने वाला हूँ। हमारे भांजे चले गए हैं कल के, तो इसलिए नहीं दिखा पा रहा था क्योंकि ताला लगा के रखा हुआ था। एक ये है, ये भी बहुत शरारती है, मामा है ना छोटे बच्चों की, इधर बंद करके रखा हुआ है। ये इनका चारा पड़ा हुआ है, क्यूटी सा इधर भाग रहा है। दूसरा किधर है भाई? एक तो इधर है ना, वो देखो दूसरा उधर कबूतरों के पास चला गया भाई। ये देखो दूसरा इधर पड़ा बैठा है भाई। अरे बाप रे बाप रे बाप। ये देखो माशाल्लाह हमारे छोटे चिक्स हैं, ये भी बहुत एक्टिव है माशाल्लाह। और अभी मैं आपको कबूतरों के बारे में बताना चाहता हूँ डिटेल से कि माशाल्लाह जो है दो अंडे हैं, ये बैठा हुआ है अभी मेल है और ये फीमेल है। हाँ ये बहुत ज़्यादा भाई मारती है आगे से दोस्तों, ये हाथ भी नहीं लगाने देती। इसका एक अंडा टूटा है ना जब से, तो ये जहरीली किस्म की हो गई है भाई, किसी को भी आई हाथ नहीं लगाने देती। चलो दोस्तों इसको बैठे रहने देते हैं, तंग नहीं करते। और इस कबूतरी का जो एक अंडा है ना उससे बच्चा निकलने वाला है दोस्तों। अभी बस 1 वीक बाकी है तकरीबन, नहीं 1 वीक नहीं, 10 से 15 तारीख के दरमियान में बच्चा आ जाएगा भाई। और दूसरे कबूतर माशाल्लाह वो देखो हानियां क्या कर रही है, छोटे चूजों के साथ खेल रही है। और दो हमारे जो है कबूतर इधर बैठे हुए हैं, बाकी अंडों पे अपनी अपनी बारी बारी से बैठते हैं। ये किधर बैठी हुई है ये देखो क्या करती है। तो ये ऊपर वाली हमारी जो बूरी कबूतरी है, इसके भी माशाल्लाह दो अंडे हैं, वो देखें ये भी बैठी हुई है। इनके भी दोस्तों बच्चे निकलेंगे, 10-10 दिन का फर्क है, 5 दिन का किसी का, 10 दिन का, सही है ना। तो सबसे लास्ट में ये बूरी कबूतरी के निकलेंगे बच्चे, और सबसे पहले इसका निकलेगा, उसके बाद इन दोनों अंडों में से निकलेंगे और हमारे 5 बच्चे आने वाले हैं कबूतरों के दोस्तों। तो अभी इंशाल्लाह डेरे पे चलते हैं, इनको दाना थोड़ा सा डाल देते हैं, पानी चेंज कर देते हैं, फिर डेरे पे चलना है। क्यों इस्माइल? हानिया भी इधर आई है भाई, ये मेरा भांजा है, ये मेरी भांजी है, ये भी खेलते हैं भाई परिंदों के साथ इधर, सही है ना, केज बना हुआ है ना बाहर से। हाय ये देखो क्या कर रही हो दोस्तों। हानिया ने कबूतरी को हाथ लगाया ना, उसने पकड़ लिया इसको, डर गई है बेचारी। आप लोगों के लिए सरप्राइज है भाई, लैला मजनू हम लोग लेके आए हैं, वो डेरे पे जाके आप वो दिखाएंगे भाई। ये देखो दोस्तों ये बच्चे ऐसा करते हैं, फिर चलो 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 आराम से, ये देख लो, चलो 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 बाहर। इस्माइल मेरी हेल्प करवा रहा है पानी चेंज करवाने में, बोलता है मामू मैं करता हूँ, जल्दी आओ जल्दी। दोस्तों पानी इस्माइल लेके जा रहा है, अंदर रख देगा, फिर थोड़ा सा दाना डालेंगे इनको, अपना इधर का काम कंप्लीट हो जाएगा फिर ऐसे। दोस्तों दाना डाल दिया है, अभी कबूतर आ गया, वो खाते रहेंगे। दोस्तों मैं खरगोशनी को तो बाहर निकालना भूल गया, उसको भी बाहर निकाल देते हैं क्योंकि उसको भी भूख लगी हुई है। ये देखो छोटे चिक्स नहीं तो खराब कर देंगे सारा, तो इसको भी निकाल देते हैं, इसको भी भूख लगी हुई, ये भी चारा खाती रहेगी इधर इन। दोस्तों अभी प्लान चेंज हो गया है, अभी हम लोग जो है वो अपने खरगोश को और इनके बच्चों को डेरे पे शिफ्ट करने वाले हैं, क्योंकि इधर मट्टी नहीं है ना, तो इस वजह से ये थोड़ा अच्छा फील नहीं करते दोस्तों, तो इनको लेके चलते हैं डेरे पे। चलो इस्माइल जल्दी से इसमें डालो, चलो चलो जल्दी। दोस्तों इस्माइल को ट्रेन कर रहे हैं अभी, आराम आराम से जो है वो छोटे चीकू को पकड़ना है, आराम से हल्के हाथों से। आजो आजो हाँ डाल दो इसमें। हवे चमार रही है, हम निकलो बाहर। लैला मजनू है माशाल्लाह, ले लवे पट्ठे ही नहीं आले मेरे ते काबे को तुई हत्ती यावे दियो इधर नू भजो। लैला मजनू के काम देखो भाई। अच्छा नहीं बढ़ गई यार। दोस्तों मैंने अपने पर्स को खोल दिया है इसलिए कि लैला मजनू जो है वो उधर खड़ी हैं दोनों, वो देखो आप सामने नजर आ रही है ना, तो ये पर्स भी उसके साथ जाएंगे। तो हा 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 हा
तो हमारी लैला मजनू इधर है और हमारे दूसरे पेट्स भी आ गए हैं। देखिए लैला मजनू किधर जा रहे हैं आप, चलो चलो उधर वो पेट्स आ गए हैं आपके, वो छोटे बच्चे दोस्तों लैला मजनू के सामने, वो देखो छोटे छोटे चिक्स लग रही हैं दूसरी डक्स जो है। चलो भाई चलो 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 अब इन पेट्स के साथ इनका दिल लग जाएगा आहिस्ता आहिस्ता। पहले दोनों इधर देख के ना खेतों को और पूरा उधर पिंजरे में बंद थे, अभी देखो कितनी मस्ती कर रहे हैं भाई। वो दूसरी छोटी डक्स को देख लिया है, अभी उनके साथ ये भी खाना खाएंगे। दोस्तों खरगोश मैंने इधर रखे हैं, देखो चोमो का काम देखो, जब से खरगोशों को देखा है ना तो ये चोमो जान नहीं छोड़ रही है। बिल्ली ने भी अभी देखा ही होगा खरगोशों को भाई, ये दोनों देखो क्या कर रहे हैं भाई। अभी मैं डेरे पे आया हूँ, वो दूसरी देखो स्वीटी भी आ गई है, क्यूटी इस साइड भी है और हमारी चोमो ये जा रही है भाई। और खरगोश हमने इधर रखे हुए हैं, जल्दी से भाई इनको ना इनके डब्बे में डाल देते हैं, नहीं तो ये चोमो ये बिल्लियां जो है ना इनको खा जाएंगी। खरगोश की तो ये बहुत बड़ी दुश्मन है, नहीं छोड़ेंगी भाई। तो जल्दी से खरगोश हम पकड़ दिए हैं, चोमो देखो चोमो किधर आ रही है, तो इनको दोस्तों डब्बे में डाल देते हैं। बिल्लियां भी मेरे साथ साथ जा रही हैं, देख रही हैं इसमें क्या है। ये दोनों देखो इधर हैं और चोमो भी भाई, ये तीनों दुश्मन हैं इनके, सही है। तो दोस्तों मैं क्या करता हूँ, इनको जो है डाल देता हूँ ये डब्बा खोल के, सही है ना, इससे पहले कि चोमो इनको नुकसान पहुंचाए। इधर डब्बे निकालने पड़ेंगे, पहले इधर डब्बे थे वो डब्बे निकाल लेते हैं भाई। घबराए हुए थे दोस्तों, तो अभी रैबिट्स जो है वो इसके दोनों बच्चे जो है वो डब्बे में आए, इनको इधर चारा डाल देंगे थोड़ा, ये इधर खेलते रहेंगे दोस्तों, सही है ना। अभी दोस्तों मैं चेक करता हूँ कि रैबिट जो है वो बाहर आता है या नहीं आता है, तो बिल्लियों को भी देखना है, चोमो को भी देखना है भाई, ये दोस्ती करते हैं रैबिट के साथ या इनके साथ झगड़ा करते हैं। तो वो सामने देखो, ये देखो चोमो है, वो हमारे रैबिट से, सही है ना, ये चोमो का काम देखो। चोमो बाज आ जा, चुप कर जा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ कि हमारे रैबिट्स जो है ना इनके साथ भी चोमो की और हमारी जो क्यूटी है और स्वीटी, दोनों बिल्लियां और चोमो, इनकी दोस्ती करवानी है, अभी तक तो बहुत भौंक रही है। तो हमारा रैबिट जो है वो बैठा हुआ है और बिल्ली देखें देखें, बिल्ली हमला करने वाली है हमला भाई। वो देखो रैबिट को देख के बिल्ली बिल्कुल तैयार बैठी हुई है, बिल्कुल भाई। दोस्तों यार ये खा जाती है, अगर मैं थोड़ी देर ला जाता ये क्यूटी शिकार कर लेती मेरे रैबिट का भाई, बंद कर देते जल्दी जल्दी। रैबिट बाहर आ गया भाई, अंदर अंदर घुस जा, अंदर घुस जा, नहीं तो बिल्ली पकड़ लेगी भाई। ये दोनों हैं भाई, ये अभी छोड़ देते हैं भाई, तो मुश्किल हो जाएगा। ये बंद करने लगा भाई, ये बिल्लियां तो खा जाएंगी भाई। दोस्तों बिल्लियां नहीं छोड़ेंगी इनको भाई, मैंने ट्राई की कि चलो इनकी दोस्ती हो जाए, लेकिन भाई ऐसा मुमकिन नहीं लग रहा मुझे अभी, तो इसलिए जो है ये बंद कर देते हैं भाई डोर। नो दोस्तों अभी बंद हो गया, तो भाई इनको नहीं खोलना जब तक इनका प्रॉपर सेटअप नहीं बन जाता। इधर अंदर ही रहेंगे डब्बे में, हवा लगती रहेगी दोनों तरफ से जो है ना, वो काफी हवा का गुजर हो सकता है, ये देखें आप, सही है ना, तो वो प्रॉब्लम नहीं है, ऑक्सीजन आती रहेगी। चोमा दोस्तों मैं घास तोड़ के लाया हूँ खेतों से, तो अभी रैबिट्स को डाल देते हैं खेतों में, नहीं मैं खुला छोड़ सकता। पहले आपने देखा बिल्ली ने हमला कर दिया था, ये खा जाएंगे इनको। तो दोस्तों जल्दी से ये डब्बा खोलते हैं इधर से, और अपने जो है ना रैबिट्स उनको जो है वो अंदर से डाल देते हैं इधर, ये खाते रहेंगे माशाल्लाह। चलो भाई चलो चलो खाओ, अब अंदर बैठे हुए हैं दोनों बच्चे भी और उनकी मामा भी, तो ये खाते रहेंगे। ये डब्बा हम लोग बंद कर देते हैं, नहीं तो चोमो भी आ रही है, चोमो भौंक रही है भाई, तो ये अंदर बैठे रहेंगे, सेफ है बिल्कुल। जो है इधर भी घोंसला डाल दिया, इधर भी डाल दिया, ये अपडेट मैं आपको साथ साथ करता रहूंगा कि कहां तक जो है वो पहुंची है। ये अंडे देंगे फिर बच्चे निकलेंगे जंगली चिड़ियों के। दोस्तों मेरी चोमो को जो है बहुत ज्यादा भूख लगी हुई है, ये देखो रोटी आ गई है, तो रोटी डालनी है चोमो को। चलो डालो इस्माइल जल्दी, आधी आधी रोटी डाल दो ना, चोमो हाथ पे काट देगी। चलो इधर आओ चोमो, इधर इधर चलो जी। दोस्तों चोमो को रोटी डाल दिया है, थोड़ी सी डाली है, इतनी ये खा लेगी, बाद में डाल देंगे। अभी दूसरी रोटी ये जो बिल्लियों के लिए है, तो बिल्लियां अभी इधर नहीं है, ये होल में रख देंगे हम लोग, जब वो आती है ना तो इधर से खा लेती हैं। अगर शिकार वगैरह पे चली गई हो, वो चूहे पकड़ने जाती हैं ना खेतों में, तो जब वापस आएंगी अगर शिकार नहीं मिलेगा तो इधर से रोटी खा लेंगी। दोस्तों दूसरे पेट्स को खोलना है, उनके लिए फीड इसमें है, तो दूसरे पेट भी इंतजार कर रहे हैं। इस्माइल भाग रहा है खोलने के लिए, एक्साइटेड है इस्माइल भी आज। खोलता हूँ जी। तो दोस्तों मेरे जो अंदर वाले पेट्स है ना, वो काफी देर से आवाजें दे रहे हैं, आपके लिए सरप्राइज भी है लैला मजनू का। लैला मजनू चलो इस्माइल लैला मजनू को खोल दो, आप गिरना नहीं।
लो भाई माशाल्लाह, पहले बतखियां आ गई हैं, फिर छोटी बतखियां आ गई हैं, और लैला मजनू नहीं आ रहे। दोस्तों लैला मजनू आ गया, चोमो भी इधर है। माशाल्लाह माशाल्लाह, ये हमारी लैला है और वो मजनू है। दोस्तों ये लैला मजनू है। चलो भाई उधर चलो चलो, इस्माइल वो कुप्पी पकड़ के लाओ उधर से, आप जाओ जल्दी, इनको फीड डालनी है, जल्दी लाओ। दोस्तों इनको फीड डाल देते हैं इधर इस साइड पे, ताकि ये खाते रहेंगे, इनको भूख बहुत ज्यादा लगी हुई है। इधर कंक्रीट है, साफ भी जगह होती है, तो इधर डाल देते हैं हम लोग टुकर। जल्दी लेके आओ, जल्दी जल्दी आ जाएंगे इधर, देखना वो देखो, उनको पता है अभी खाना आ रहा है हमारा। आ, 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 आ। ये दोस्तों हम लोगों ने रोटियां भिगो के रखी हुई थी, तो ये दोस्तों इनको डाल देते हैं इधर। जी दोस्तों आधा डाल दिया मैंने इसमें से, और आधा जो है वो इनको लंच के बाद डाल देंगे, अभी ये खाते रहेंगे इधर। लैला मजनू किधर है? लैला मजनू को भी इधर लेके आओ भाई, वो अकेले हैं दोनों, वो देखो उधर से आ रहे हैं, लेके आओ उनको भी। लैला मजनू भाई अकेले अकेले हैं, देखो इनके साथ अभी रचे बसे नहीं दोनों लगता है। ये लगता है फीड नहीं खानी इन लोगों ने भाई, इनको मैं लेके आता हूँ इधर, कोशिश करता हूँ कि इधर आ जाएं इनके साथ, लेकिन लगता है लैला मजनू ने बस घास ही खानी है। मैं कोशिश करता हूँ इनको उधर लेके जाने की, अगर ये वो खा लें तो बहुत अच्छी बात है। चलो लैला मजनू चलो उधर से खाओ, टुकर खाओ। तो हम लोग अंडे चेक कर लेते हैं कितने अंडे दिए हुए हैं परिंदों ने। एक ही है बस दोस्तों, एक ही अंडा मिला है, इस्माइल बोल रहा है। दोस्तों मुझे लग रहा है यार एक नहीं अंडा होना चाहिए था। दोस्तों अंडे ज्यादा थे, मुझे लगता है बड़े वाली डक्स जो है ना वो अंडे खा गई हैं। एक अंडा कैसे हो सकता है यार, वो डेली 4-5 अंडे मैं निकालता हूँ इधर से। मेरे को लगता है लैला मजनू पहले ही दिन हमारी मुर्गियों के अंडे खा गई हैं लगता है भाई। ये तो ऐसे मुश्किल हो जाएगा यार, वो बड़ी डक्स है ना लैला मजनू, वो खा गई हैं लगता है। इनको अलादा बंद करना पड़ेगा भाई, तो अंडे तो मिलेंगे नहीं हमको भाई, एक अंडा मिला बस। क्यों इस्माइल एक ही था? लैला मजनू ने खा लिया, उनको लैला बंद कर दिए करें फिर। दोस्तों मैंने ट्यूबवेल चला दिया है अपनी बतखों के लिए, जो पानी है ना इधर भरने के लिए, ये सारा दिन इधर जो है ना नहाती रहेंगी। हमारी जो मुर्गियां है ना ये भी इधर से पानी पी लेंगी, साफ पानी है, इधर जमा हो जाएगा पूरा, और पूरा दिन ये नहाती रहती है, इधर से पानी भी पीती रहती है। तकरीबन कंप्लीट हो गया है, अभी मैं इसको बंद कर देता हूँ ट्यूबवेल को। दोस्तों हमारा जो मिनी पूल है वो फुल हो गया है, माशाल्लाह हमारी जो डक्स हैं वो नहा रही हैं इसके अंदर, और वो देखे मुर्गियां भी पानी पी रही हैं इधर से, और जो हमारी लैला मजनू है वो देखो उधर जाके ना इंजॉय कर रही है, ये भी पानी में आके ना खेलेंगी थोड़ी देर के बाद। तो ये पूरा दिन इधर पानी भरा रहेगा, तो जब तक इधर सेटअप नहीं ना हो जाता इस साइड पे, हम लोग इधर जो है इनके लिए बड़ा सा खड्डा बना के इधर पूल बनाने वाले हैं, 24 आवर इधर पानी रुका रहेगा। दोस्तों मैं उधर चारा काट रहा था, इधर जगह बनानी है मिट्टी डालने के लिए, तो मेरी जो लैला मजनू है जो दोनों बड़ी बतखे है ना वो देखो वो उधर चली गई थी, मीर और इस्माइल जो है वो उधर से लेके आ रहे हैं उनको, बहुत ज्यादा दूर चली गई थी भाई डेरे से भाई, तो इनको बंद कर देता हूँ। अभी नहीं है ना डेरे पे, तो 2-3 दिन के लिए इनको बंद करना पड़ेगा, फिर जब इनको आदत पड़ जाएगी ना तो फिर बाहर खोलेंगे इनको। लेके आओ जल्दी इनको, ले आओ जल्दी, नहीं तो ये भाग जाएंगी दूर। वो देखो अभी खेतों में चली गई हैं भाई, इनको बंद करना पड़ेगा नहीं तो बहुत मुश्किल होगी। चलो इनको बंद करना, कमरे में डालना इनको। चलो चलो भाई चल चलो 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 अंदर। ओए इनको बस दोनों को, उनको नहीं। चलो 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 आप उस साइड पे दरवाजे पे खड़े हो जाओ, मैं इनको लेके आता हूँ इधर से। चलो 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 चलो, बहुत सताया हुआ है भाई इन दोनों ने। चलो चलो चलो
चलो चलो भाई। लो जी लाला मजनू अंदर आ गए हैं। अभी दोस्तों इनको 2-3 दिन के लिए जो ना इधर बंद करना पड़ेगा, इनकी आदत जब बन जाएगी ना तो फिर सही हो जाएगा। दोस्तों ये देखो आप, मैं अभी आया हूँ, देखा है स्वीटी और क्यूटी जो है, ये देखो दोनों अंदर जो है ना, खरगोश है ना तो पिंजरे को पांव मार रही है। एक इधर है और एक इस साइड पे थी, ये देखो एक नीचे है एक इस साइड पे है, तो ये दोनों जो है पंजे मार रही हैं कि खरगोश को किसी तरीके के साथ जो है ना वो बाहर निकाल लें। हमने बिल्ली को रोटी डाल दिया है ताकि ये रज लेना तो खरगोशों को तंग नहीं करेगी। इस्माइल इसको नहीं खोलना, नहीं तो बिल्ली खरगोश खा जाएगी और मैं आपको इधर से। जी हाँ दोस्तों, अभी गाय को भी चारा डाल दिया है, वो छोटी बछड़ी को भी डाल दिया है, तो अब्बू जो है वो गाय को खोल के इधर बांध देंगे, इसके ऊपर ये चारा खाती रहेगी। बाकी मैं अपने रैबिट्स को देख लेता हूँ क्या कंडीशन है इनकी। चारा मैंने अंदर ही डाल के रखा हुआ है माशाल्लाह, वो देखो कितने क्यूट बेबीज बैठे हुए हैं, ये मामा है उनकी। तो इनके लिए दोस्तों पानी अंदर रख देता हूँ, तो अपना जो है वो काम आज का कंप्लीट हो चुका है इंशाल्लाह। तो दोस्तों कल मिलेंगे इंशाल्लाह। जो है वो मट्टी अभी मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ। यार आप बोलते होंगे डेली बोलता है, करता कुछ भी नहीं है। ये देखो दोस्तों, इधर से मैंने चारा पूरा काट लिया है और इधर मट्टी आएगी इंशाल्लाह, तो प्रॉपर सेटअप होगा इस साइड से भी और इस साइड पे भी। सही है, मट्टी इस साइड से ऐसे इधर को घूम के आएगी, तो इधर इंशाल्लाह जाली लगाएंगे, पूरा प्रॉपर सेटअप बनेगा पेट्स के लिए। तो दोस्तों वीडियो आज की यहीं तक थी, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल के नोटिफिकेशन को ऑल पे ऑन रखिएगा ताकि आने वाली वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, बाय बाय, सी यू।